हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम आइडियाज़। आज मैं आपको एलडीआर बेस्ड एक सर्किट बनाना बताने जा रहा हूँ, जो कि स्कूल प्रोजेक्ट्स के लिए काफ़ी अच्छा सर्किट है, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट रहेगा। अक्सर देखते हैं कि जो छोटी क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि क्लास 8th के हो गए, 9th के हो गए, 10th के हो गए, 12th के हो गए, वो बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं कि कोई उन्हें प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प कर दे, या फिर वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर जाते हैं, वहाँ किसी से प्रोजेक्ट बनवाते हैं। उनको एक्चुअली में कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। स्कूल में सिर्फ कह दिया जाता है कि आपको ये सर्किट बनाना है या फिर ये प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। वहाँ पर भी जो है टीचर्स को इतना पता नहीं होता कि एक्चुअली में इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है या फिर सर्किट किस तरीके से बनाए जाते हैं, क्योंकि वो भी सिर्फ किताबी कीड़े होते हैं, उन्होंने भी सिर्फ किताबों में पढ़ा होता है और प्रैक्टिकल नहीं किया होता है, और वो सब कुछ डाल देते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर। उनको बताते कुछ नहीं है कि किस तरीके से बनना है, कैसे होना है, उनको गाइड नहीं करते प्रॉपर। बस उनको क्या होता है कि आपको लाकर सबमिट करना है, फिर वो बेचारे इधर उधर घूमते फिरते हैं। तो ये चैनल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं। मैं आपको बेसिक से स्क्रैच से सब कुछ लेकर चलूँगा, बताऊँगा कि वाकई में इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या और किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स को हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो अभी ये छोटा सा स्मॉल सर्किट मैंने बनाया है, ठीक है। पहले हम इसका देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो देखिए, ये 9 वोल्ट की बैटरी है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को काम करने के लिए क्या होता है, पावर की ज़रूरत होती है। तो ये डीसी पर काम करता है ये सर्किट। तो ये डीसी बैटरी है 9 वोल्ट की, ठीक है। इसमें ये देखिए नेगेटिव टर्मिनल है और ये वाला जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक। इसी तरीके से कैप में नेगेटिव पॉजिटिव दिए गए, तो ये वाला जो है पॉजिटिव वाला ये यहाँ लगेगा, ठीक है। इसमें यहाँ पर ये वाला पॉजिटिव है, तो इसको कुछ इस तरीके से हम लगाएंगे। ये देखिए, ये यहाँ पर और सिंपल दबा दीजिए, ये लग गया। ये बैटरी कैप है और ये 9 वोल्ट की बैटरी है, इसको बैटरी कैप बोलते हैं, ठीक है। ठीक, अब हमने इसको पावर दे दी। अब देखिए, ये एलडीआर है, लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर। ये होता क्या है कि जब हम इस पर अंधेरा करते हैं, ठीक है, यानी कि लाइट की जो इंटेंसिटी है वो इस पर कम जाती है, तो इसका रेसिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है, और जब इस पर रोशनी पड़ती है तो इसका रेसिस्टेंस कम हो जाता है। यही एक तरीके से सेंसर का काम करता है, जो कि ट्रांसिस्टर इसको सेंस करता है। देखिए, जैसे ही मैंने इस पर उंगली रखी यानी अंधेरा किया, तो आप देख रहे हैं एलईडी ग्लो कर रही है, ठीक है। तो ये लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर से बना हुआ ऑटोमेटिक लाइट सर्किट है। जैसे कि आप अंधेरा होते ही ऑटोमेटिकली लाइट जल जाएगी, जैसी रोशनी होगी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, आपको ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्ट्रीट लाइट्स के लिए काफ़ी अच्छा सर्किट है। स्ट्रीट लाइट्स पर आप रिले के साथ में इसको बनाकर लगा सकते हैं, और बहुत ही कम कंपोनेंट्स को देखिए मैंने यूज़ किया है। यहाँ पर सिर्फ एक एलडीआर है, एक एनपीएन ट्रांसिस्टर है, एक रेसिस्टर है और एक एलईडी है, एक बैटरी कैप है और एक बैटरी है, ठीक है। तो अब हम इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं कि किस तरीके से मैंने इसको बनाया है, इसकी पार्ट लिस्ट क्या होगी और कहाँ से आप इसको ले सकते हैं। तो हम इसको अभी साइड कर देते हैं। तो देखिए, मैंने ये पार्ट लिस्ट इसकी पहले से ही बना ली है। तो इसको नाम दिया है एक्चुअली मैंने ऑटोमेटिक लाइट, ठीक है, एलडीआर, लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर, ठीक है। तो पार्ट लिस्ट क्या है इसके अंदर, आपको सिर्फ 7 कंपोनेंट्स चाहिए, 7 पार्ट्स चाहिए एक्चुअली। इनमें कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, बीसी 547 एनपीएन ट्रांसिस्टर। तो 547 एनपीएन ट्रांसिस्टर आपको चाहिए। ये एक्चुअली में देखिए इस तरीके से ट्रांसिस्टर होता है, ठीक है। ये भी देखिए, ये भी बीसी 547 ही है। तो इस तरीके से आपको एक ट्रांसिस्टर चाहिए। फिर आपको 47 किलो ओम का क्वार्टर वाट का एक रेसिस्टर चाहिए, एक एलडीआर चाहिए लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर, एक एलईडी चाहिए, एक कॉमन पीसीबी चाहिए, एक 9 वोल्ट की बैटरी चाहिए, और एक आपको क्या चाहिए, बैटरी का कैप चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया है कि जो बीसी 547 का जो ट्रांसिस्टर है, ठीक है, वो कौन सा ट्रांसिस्टर है, एनपीएन ट्रांसिस्टर है, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इसमें 3 लेग्स होती हैं ट्रांसिस्टर के अंदर, ये बेसिक ट्रांसिस्टर्स हैं, और ट्रांसिस्टर्स में ज़्यादा भी हो सकती हैं, उसका डिस्कस हम बाद में करेंगे, ठीक है, इस वीडियो में नहीं। तो एक्चुअली में ट्रांसिस्टर की 3 पिन्स होती हैं, एक होता है उसका बेस,
एक होता है उसका कलेक्टर, एक होता है उसका एमिटर। डिटेल्स के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, आप ट्रांसिस्टर पर मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको प्रॉपरली पता चल जाएगा, यानी कि डिटेल्स में पता चल जाएगा कि वो एक्चुअली में ट्रांसिस्टर क्या है और कैसे काम करता है, राइट। इस वीडियो में हम इसके बारे में इतना डिस्कस नहीं करेंगे। पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3। तो पिन नंबर 1 कलेक्टर है जहाँ पर आउटपुट मिलेगा, पिन नंबर बेस वो है जो कि सिग्नल है, और पिन नंबर 3 जो है वो एमीटर है, यानी कि यहाँ पर इनपुट दिया जाएगा, यहाँ से इनपुट होगा, यहाँ से आउटपुट होगा। जब बेस पे आप कोई सिग्नल देंगे इसको कंट्रोल करने के लिए, तो कह सकते हैं कि एक कंट्रोलिंग डिवाइस है इस टाइम पर। क्या है ये? कंट्रोलिंग डिवाइस, ठीक है। तो बेस को एक दरवाज़ा समझिए कि आप इस दरवाजे से अंदर आना चाहते हैं, जब तक बेस पर सिग्नल नहीं देंगे यानी कि दरवाजे को नहीं खोलेंगे तब तक आप इस कमरे में एंटर नहीं करेंगे। आप बाहर हैं, आप इस कमरे में एंटर करना चाहते हैं और ये दरवाज़ा है, तो जैसे ही बेस पर सिग्नल देंगे ये दरवाज़ा खुल जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये एक सर्किट को कंप्लीट कर देगा, राइट। इस तरीके से ट्रांसिस्टर काम करता है। तो इसमें एक कलेक्टर हो गया, एक बेस हो गया, एमिटर हो गया, तो यहाँ पर इनपुट देंगे, यहाँ बेस पर सिग्नल देंगे और कलेक्टर से आउटपुट लेंगे। ये एक्चुअली में ये इसका मैंने जो ये डायग्राम बनाया है, ये ट्रांसिस्टर का डायग्राम, बट ये क्या है, ये स्कीमेटिक सिंबल है। क्या ही सिंबल है एक्चुअली में, स्कीमेटिक बनाने के लिए जो डायग्राम बनाते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, सिंबल्स के थ्रू। तो सिंबल्स में ये एरो मार्क आप देख रहे हैं, हमेशा ट्रांसिस्टर में जहाँ एरो मार्क लगा होगा, ठीक है, सिंबल के अंदर, वो आपका एमिटर होगा। और अगर एरो मार्क बाहर की तरफ आ रहा है तो ये कौन सा ट्रांसिस्टर होगा? NPN। और अगर यही अंदर की तरफ जा रहा है एरो, तो ये ट्रांसिस्टर कौन सा होता? PNP। तो मैंने बाहर की तरफ लगाया यानी कि NPN है, ठीक। पिन नंबर 1 यहाँ पर क्या है? कलेक्टर, यानी कि आउटपुट मिलेगा। पिन नंबर 3 एमिटर, यहाँ पर इनपुट देंगे हम, और बेस पर सिग्नल कैसा देंगे हम, ठीक है, ये क्या है? बेस, पिन नंबर 2। तो बेस पर यहाँ पर सिग्नल देंगे, ठीक। तो देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ये NPN ट्रांसिस्टर है, ठीक है, तो ये पिन इसकी N है, ये पिन इसकी P है, और ये पिन इसकी N है, NPN, ठीक है। क्या हो गया? N हो गया, P हो गया और N हो गया, NPN, ठीक। तो आप एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखें कि एमिटर यहाँ पर इनपुट दे रहे हैं, तो ये N है, N का मतलब नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव इनपुट देंगे, ठीक। इस तरीके से यहाँ बेस पर क्या है? P है, तो यहाँ पर कौन सा इनपुट देंगे? पॉजिटिव इनपुट। जैसे पॉजिटिव इनपुट देंगे तो यहाँ से नेगेटिव यहाँ चला जाएगा, खुल जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा और नेगेटिव किसी सर्किट में चला जाएगा और वो काम करना स्टार्ट कर देगा। इस तरीके से ये दरवाजे की तरह एक ट्रांसिस्टर जो है वो हमारा काम करेगा, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर होगा, और बाकी डिटेल्स में आप मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें आपको डिटेल्स में मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ तक तो ये कम्प्लीट हुआ हमारा, ये हमारी पार्ट लिस्ट हो गई। ये मैंने थोड़ा सा आपको ट्रांसिस्टर के बारे में समझा दिया जो कि मेन पार्ट है इसका। अब इसको भी हम साइड करते हैं, हम क्या करते हैं, अब डायग्राम लेते हैं इसका, सर्किट डायग्राम। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक ट्रांसिस्टर लिया है, ठीक है, कौन सा? BC547 ट्रांसिस्टर। BC547 ट्रांसिस्टर का पिन नंबर N नेगेटिव, यहाँ पर देखिए मैंने बैटरी से जोड़ दिया नेगेटिव, ये देख रहे हैं आप, ये 9 वोल्ट की हमारी बैटरी है, तो इस बैटरी से ये एक वायर हमने इसकी पिन नंबर 3 पर जोड़ दिया, राइट, ठीक। अब पिन नंबर 3 से LDR को जोड़ दिया, इसी से LDR का एक लेग, LDR का दूसरा लेग हमने इसके बेस से जोड़ दिया, तो यानी कि हमने LDR को इसके बेस, ठीक है, ये कौन सा है? बेस, और ये कौन सा है हमारा? एमिटर। बेस और एमिटर के बीच में हमने एक LDR लगा दिया, ठीक है। अब इसकी इधर वाली पिन्स बची ट्रांसिस्टर की, तो ट्रांसिस्टर ये क्या है? कलेक्टर, आउटपुट। तो आउटपुट पर मैंने एक LED को जोड़ा है, क्योंकि हमें यहाँ पर नेगेटिव आउटपुट मिलने वाला है, तो मैंने LED का नेगेटिव वाली जो पिन है वो जोड़ी है। LED में भी दो पिन होती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो नेगेटिव वाली पिन मैंने यहाँ जोड़ दी, ठीक। अब बची इसकी कौन सी? पॉजिटिव वाली पिन LED की। अब LED की पॉजिटिव वाली पिन को हमने क्या किया? बैटरी से पॉजिटिव वोल्टेज दे दिया। तो अभी देखिए यहाँ पर LED पर ऑलरेडी पॉजिटिव आ चुका, जैसी पॉजिटिव पिन हमने यहाँ पर जोड़ दी तो यहाँ पर क्या आ चुका? पॉजिटिव। बट इसको काम करने के लिए क्या चाहिए? यहाँ पर नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव कब मिलेगा? जब बेस पर सिग्नल आएगा। तो हमने क्या किया, 47 किलो ओम के रेसिस्टर से इसको पुल अप कर दिया, यानी कि यहाँ पर क्या कर दिया हमने यहाँ पर एक नेगेटिव सिग्नल भी दे दिया। यहाँ से क्या आ रहा है? ये पॉजिटिव सिग्नल आ रहा है, देखिए पॉजिटिव सिग्नल यहाँ पर आ रहा है, ठीक। और यहाँ पर क्या आ रहा है? एक 47A से 47 किलो ओम का रेसिस्टर हमने यहाँ से लगा के इसको क्या, कौन सा सिग्नल दे दिया? पॉजिटिव सिग्नल दे दिया एक रेसिस्टर के थ्रू।
तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव सिग्नल है, ठीक है, तभी ये एलईडी क्या करेगी, ग्लो करेगी। तो जैसे ही पॉजिटिव सिग्नल यहाँ पर आएगा यहाँ से, ठीक है, वो क्या होगा, यहाँ से नेगेटिव सिग्नल यहाँ चला जाएगा और ये एलईडी ग्लो करने लगेगी। और वो ऐसा कब होगा, जब एलडीआर का रेसिस्टेंस हाई हो, यानी कि इससे हाई हो जाए इसका रेसिस्टेंस। अभी इसका रेसिस्टेंस इससे लो है, तो जैसे ही इसका रेसिस्टेंस हाई हो जाएगा तो यहाँ से नेगेटिव, क्योंकि अभी इफेक्ट किसका ज़्यादा है, यहाँ पर नेगेटिव सिग्नल का इफेक्ट ज़्यादा है, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस क्या है, कम है। रेसिस्टेंस कम है तो वोल्टेज ज़्यादा आएगा, यानी कि करंट ज़्यादा आएगा यहाँ पर, तो इफेक्ट किसका ज़्यादा है, यहाँ पर नेगेटिव का इफेक्ट ज़्यादा है। बट यहाँ पर काम करने के लिए पॉजिटिव इफेक्ट चाहिए, तो जैसे ही यहाँ का रेसिस्टेंस बढ़ेगा यहाँ से पॉजिटिव सिग्नल यहाँ पर आ जाएगा और ये काम करना स्टार्ट करेगा। तो ये एक बेसिक इसका क्या हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया कि ये किस तरीके से काम करेगा। तो इस तरीके से कंपोनेंट्स को अरेंज करके आप क्या कर सकते हैं, इस छोटे से सर्किट को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए बहुत अच्छा सर्किट है, ठीक है, ये देखिए। पर ये ध्यान रखें ये तेज़ रोशनी में ही काम करेगा, आई मीन जब रोशनी ज़्यादा होगी एलडीआर के ऊपर तभी जो है वो लाइट बंद होगी। कभी आप रूम में अपने इसको ले जाएं और रूम में देखें कि यार ये तो एलईडी जले जा रही है, तो ऐसा नहीं है। इस पर आप या तो मोबाइल की टॉर्च वगैरह जला के टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप सर्किट बनाएं तो हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो जाए कि ये तो एलईडी जले जा रही है, तो ऐसा नहीं है। आप इस पर क्या करें, मोबाइल की टॉर्च डालें, देखिए ये बंद हो जाएगी। बट अभी मेरे ऊपर जो है वो लाइट जल रही है, तो लाइट से ये सही प्रॉपर काम कर रहा है। तो जैसे ही मैं अंधेरा करता हूँ ये लाइट जल जाती है, ठीक है। तो अगर आपको ये प्रोजेक्ट, कई बार ऐसा होता है कि कंपोनेंट्स को अरेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कंपोनेंट्स मिलते नहीं है मार्केट के अंदर, ठीक है, तो मैं आपको किट्स दे रहा हूँ, ठीक है। मैं आप लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर किट्स को बाय कर सकते हैं। आपको प्रॉपर किट मिलेगी, सारे कंपोनेंट्स उस किट के अंदर मिलेंगे और आप अपने आप बना सकते हैं। और अगर आपको बना बनाया सर्किट भी चाहिए तो उसका भी मैं लिंक आपको दे दूँगा। हम आपको ये अमेज़ोन से, फ्लिपकार्ट पर और मेशो पर, इन सब पर हम सेलिंग करते हैं, यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी इस तरीके के अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड, थैंक यू वेरी मच।